हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है वन एग्जाम और टीम सीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खास है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपको काम का लगे तो देखिए, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं कहूँगा आप इसको ज़रूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक देखें। एक एक बात आपके काम की है। एक भी बात आपको इररेलेवेंट लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये चीज़ मेरे लिए काम की नहीं थी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट और ईओ के लिए, यू मस्ट वॉच दिस। क्या है इस लेक्चर के अंदर, मैं आपको एक बार क्विकली उसका बता देता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले तो आज जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, आज से जितने दिन बाकी है एग्ज़ाम के अंदर, इस दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना है, वो मैंने बताया इसके अंदर। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, ये नहीं है कि सबके लिए एक जैसा। जिसकी तैयारी जैसे चल रही है, किसी ने अभी शुरू किया, किसी कोई ऑलरेडी कब से कर रहा है, दोनों के लिए आपको किन चीज़ों से बचना है और ज़रूर देखना है इसको, क्योंकि अक्सर आदमी यही गलती करता है, इंसान इन्हीं चीज़ों में गलती करता है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया इसमें, स्पेशल 26। ऐसे 26 टॉपिक पार्ट ए के अपने, जिनको आप बिल्कुल किसी कीमत पे, एट नो कॉस्ट, आप इनको मिस नहीं कर सकते, इनको छोड़ नहीं सकते। आप मान के चलिए 70% प्लस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सिर्फ इन 26 टॉपिक से होंगे। तो जो मैंने पहले आपको बताई ये चीज़ें नहीं करनी है, तो जो करना है वो करना है, प्लस इन 26 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा एक सरप्राइज़ है पार्ट बी को लेके, ये भी बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा खास। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखें, समझें। दूसरी चीज़, कंपनी लॉ की हमारी क्लासेज चल रही थी, लेकिन दफ्तर में इतना ज़्यादा काम है कि बैंड बजी हुई है, तो ये बैंड अब बंद होगी बजनी, और आज से हम लोग वापस उसको शुरू करेंगे, वापस अपनी क्लासेस कंपनी लॉ की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितना भी रेलेवेंट पार्ट है इस वीक के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप देखिए और समझिए इस लेक्चर को। दो सरप्राइज है आपके लिए और दोनों ही बहुत खास, इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, आज तारीख कितनी हुई है, आज का दिन है 12 जून 2021। एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी अगर होगा तो एओ का पहला एग्ज़ाम जो होगा वो जल्दी से जल्दी कह रहा हूँ 15 जुलाई तक, एंड जूनियर अकाउंटेंट का आप मान के चलिए आगे 15 दिन और, तो 30 जुलाई, जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट। तो अगर आज से आप दिन कैलकुलेट करो तो करीब करीब एओ के लिए आपके पास 40 दिन है मिनिमम, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपके पास करीब 55-60 दिन है, मतलब 2 महीने हैं। दूसरी बात, ये जो पूरा कोर्स है, पूरा जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, ये 1 महीने का कोर्स है, 1 महीने की तैयारी के लायक ये एग्ज़ाम है। जैसे आप अगर सीए वीए करते हो, बीकॉम करते हो, तो एक पूरा साल पढ़ते हो, 6 महीना पढ़ते हो, तो ये एग्ज़ाम का ड्यूरेशन सिर्फ 1 मंथ का है। तो आपने अगर अभी भी अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे नहीं ले जा पा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, कभी ये चीज़ कर रहे हो, कभी वो चीज़ कर रहे हो, तो उसको दूर करने के लिए मैं आज आपको 2-3 अलग अलग स्ट्रेटेजी बताऊँगा, आपके लिए जो फिट बैठती है आप उसके अंदर काम कीजिए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो है मेरी, उन लोगों के लिए है जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से, तैयारी के मामले में वो क्या कर रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, प्लस उसको सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक ही निवेदन करूँगा, बस इसको कंटिन्यू कीजिए। जो अपने सोर्सेज हैं, जिनको आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आपकी बुक्स है, चाहे आपके लेक्चर्स है, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज़ है,
इनको आप मिनिमम रखिएगा, मिनिमम रखिएगा। आपको लगता होगा कि मैं 10 टेस्ट सीरीज कर लूँगा, 10 के अंदर 100 मॉक टेस्ट दे दूँगा तो एग्ज़ाम के अंदर मुझे सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम के अंदर आप 1,00,000 क्वेश्चन भी करके जाओगे ना तो 1,01,000 क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर, ये मान के चलिए। 1-2 सवाल रेंडमली कोई हो सकता है, ऐसे आ सकते हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हों। तो इसीलिए मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ का पर्पज होता है सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। सिर्फ किसके लिए होता है ये? कॉन्फिडेंस के लिए, कि मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा, पढ़ के सिर्फ आप रख दोगे तो आपका असेसमेंट हुआ ही नहीं कि आपको आया कि नहीं आया समझ, आप कितने उस पर अटेंड कर पा रहे हो। तो मॉक टेस्ट का पर्पज़ ये होता है कि उस सब्जेक्ट है रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस करो और आप अपना असेसमेंट कर सको कि भाई 60% ले रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, 70, 80, 90, 100% मेरी क्या, मैं कितना करेक्ट कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो सिर्फ यही चेक करने के लिए होती है टेस्ट सीरीज और MCQs। इसके बियॉन्ड आप कुछ भी उम्मीद मत करें। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसी बात की है, सुनने में आया है, जो मुझसे बताते भी हैं, सब यही कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। एक टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कीजिए, 10 से 15 टेस्ट सफिशिएंट है, जो एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग उतने ही समय के अंदर आप उनको अटेंड कीजिए, ठीक है। और अगर 10 टेस्ट या एक टेस्ट दिया आपने, फिर आप बैक टू बैक उसी को रिवाइज़ कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसको रिवाइज़ करने में। एक टेस्ट दे दिया, दोबारा क्यों देना? आप एक टेस्ट में आप असेसमेंट कीजिए ना कि भाई इस टेस्ट दिया आपने, 120 में से आपके 80 नंबर ही आए, तो कहाँ कहाँ जो गलत हुए उन टॉपिक्स को वापस ढूंढिए, उन टॉपिक का रिवीजन कीजिए आप, ना कि टेस्ट का। वो वापस से पढ़ के दोबारा टेस्ट दोगे तो नंबर तो आएगा ही, एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये बात आप नहीं मानोगे लेकिन आपको माननी पड़ेगी। आप अपना जो कंटेंट है वो मिनिमम रखें, सोर्स जो है वो मिनिमम रखें और ज़्यादा बार रिवाइज़ करें। कम कंटेंट को ज़्यादा बार रिवाइज़ करें, जितना मिनिमम रखोगे आप पास होने की संभावना उतनी बढ़ेगी। UPSC का एग्ज़ाम होता है वो इससे बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आपको पता होगा। आप किसी भी UPSC टॉपर का एक इंटरव्यू देख लेना YouTube के ऊपर, वो सबसे पहली बात ये कहेगा। UPSC के लिए आपको पता हो तो बहुत सारी किताबें आती है, हर सब्जेक्ट के लिए हज़ारों किताबें हैं, मतलब पूरा खजाना है, बुक स्टोर खोल सकते हो। वो पहली चीज़ ये कहते हैं आप मिनिमम सेलेक्ट करो और बेसिक चीज़ें सेलेक्ट करो। मिनिमम में भी वो कहते हैं NCERT पढ़ो या इस तरह की, बस उसी को बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, ताकि एग्ज़ाम में जो ये सिचुएशन होती है ना कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा देखा हुआ तो है MCQ, लेकिन आप जज नहीं कर पा रहे हो ये वाला ऑप्शन है या ये वाला, ये स्थिति ख़त्म हो जाएगी, आपको एग्जैक्टली याद आएगा। तो अभी आपकी जो भी तैयारी चल रही है आप एक काम कीजिए, अपना सिलेबस पहला तो क्या कीजिए, ख़त्म कीजिए सिलेबस, ठीक है। आप अगर हमारे साथ पढ़ रहे हो 1 एग्ज़ाम के साथ, तो मैं आपको कहूँगा आप लेक्चर के साथ साथ चलिए, 20 जून तक आपका लेक्चर सारे ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ आपका सिलेबस भी एक बार कंप्लीट हो जाएगा पार्ट ए का। देन उसके बाद एक काम कीजिए आप, मॉक टेस्ट सीरीज होगी, 10 टेस्ट होंगे, आप चाहे जितने दे सकते हैं, 10 सारे नहीं भी दें, आप एक बार के लिए 5 टेस्ट या 3 टेस्ट दीजिए और अपना असेसमेंट कीजिए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। आपको लग गया कि नहीं आपकी 90% प्लस एक्यूरेसी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको लगता है थोड़ी कम है, कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक है ऐसे 80% 70% ही एक्यूरेसी है, आप इतने ही सही कर पा रहे हो, तो आप रुकिए वहाँ पे, मॉक टेस्ट को आगे कंटिन्यू मत कीजिए, आप रोक दीजिए उसी टाइम पे। आप एक काम कीजिए क्या कि जिन जिन टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को वापस उठाइए, अगले 10 दिन के अंदर वापस से उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिए, थ्योरी पढ़िए, अच्छे से रिवाइज़ करो उसको, फिर अगला मॉक टेस्ट दो। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लेना, क्योंकि अगर मान लो मॉक टेस्ट बनाने वाले ने कोई एक पेपर हार्ड दिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड दिया है पेपर, सिर्फ उसका पर्पज़ गलत नहीं था, उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं, वो चाहता था कि भाई स्टूडेंट हार्ड क्वेश्चन की भी तैयारी करें, लेकिन एग्ज़ाम में तो सारे हार्ड आएंगे नहीं। अब ये दिया आपके 60% नंबर ही आए, नेट के पेपर दे दिए इसमें, नेट UGC का क्वेश्चन दे दिया, मतलब आपके 60% आए, आपका कॉन्फिडेंस गया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गलती कहाँ हुई। तो इस तरह की गतिविधियों में अपना समय बर्बाद ना करें, अपना सोर्स लिमिटेड करें। पर अगर आप 1 एग्ज़ाम से पढ़ रहे हैं तो पूरा भरोसा करके चलिए, आपको कुछ भी गलत ना पढ़ाएंगे, ना कोई गलत चीज़ लिख के देगा मार्जिनल कॉस्टिंग को,
जो ब्रेक इवन पॉइंट है वही फॉर्मूला बताया जाएगा, आप चाहे कहीं भी पढ़ोगे, ठीक है। आपको ज़रूरत है उसी को बार बार रिवाइज करने की, ठीक है, बात समझ आई। वैसे ही जो MCQ दिए हुए 5000, ज़रूरी नहीं है कि 5000 नहीं किए तो कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक अपने पास खजाना है कि जिसके पास जितना समय, जैसे आज से 3 महीने पहले जिसने कोर्स परचेज किया उसको ज़्यादा टाइम मिला, इसलिए उसने हो सकता है ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, लेकिन एग्ज़ाम में तो ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए कि 5 के 5 करने हैं, आप इनमें से सेलेक्टेड 10 फाइल सेलेक्ट कीजिए, हर सब्जेक्ट की 2-2 फाइल, 100-100 क्वेश्चन की, बस कि उसको करना है मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं देखना है। और वहाँ भी आपका मकसद होना चाहिए सिर्फ खुद को असेस करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि ये गलत हो रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि कौन से एरिया से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ताकि मैं उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को वापस से रिवाइज कर सकूं। आपको क्वेश्चन रिवाइज नहीं करना है बैठ के कि ये सही वाले उत्तर वापस से दोबारा से करें प्रैक्टिस, एग्ज़ाम में वो नहीं आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। दूसरा कैटेगरी वो जो अभी भी अभी स्टार्ट की है, शुरू की है तैयारी, या अभी भी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, शुरू नहीं किए, तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहला काम ये करें कि आज ही किसी कोर्स या किसी बुक्स को सेलेक्ट करें। जो काम ये कर चुके हैं, इन लोगों ने सेलेक्ट कर दिया अपना सोर्स, आप आज ही करें। आज से भी अगर आप मान के चलो 50 दिन हैं आपके पास, और मैंने बताया 30 दिन का ये कोर्स है, तो आप आज ही शुरू करें। सारे बेयर मिनिमम चीज़ बता रहा हूँ जो आपको करनी ही है। सबसे पहला काम लेक्चर्स देखिए। लेक्चर का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर सारे इन एग्ज़ाम के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनमें थ्योरी और वही कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं। तो आप सिर्फ लेक्चर देखोगे तो आपका 70% काम हो जाएगा। लेक्चर प्लस एक बार नोट्स से वो लेक्चर के साथ साथ देख, ऐसे नहीं लेक्चर लाइन बना के 6 घंटे तक आप पूरे आज ख़त्म कर दिया कोर्सें, ऐसा मत कीजिए। आप एक टॉपिक पढ़िए, एक सब्जेक्ट सॉरी एक चैप्टर, उसके नोट्स एक बार थ्योरी पढ़िए, फिर अगला, इस तरीके से आप 50 दिन है ना, तो अगले 20 दिन में अपना लेक्चर कंप्लीट करने का काम कीजिए, सारे लेक्चर्स एक बार ख़त्म कर दीजिए। देन उसके बाद भी आपके पास 30 दिन बचेंगे, फिर आप क्या कीजिए, जो मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट की एक MCQ की फाइल उठाइए कोई भी, और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा हर सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा कमज़ोर है। जो कमज़ोर है उसका तुरंत से रिवीजन स्टार्ट कर दें, दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें, जहाँ डाउट हो दोबारा लेक्चर देखना शुरू कर दें, और ये प्रक्रिया ख़त्म होते ही आप अपना पहला मॉक टेस्ट देंगे। फर्स्ट मॉक टेस्ट आपको वहीं पे देना है। जैसे ही ये 20 दिन ख़त्म हुए, एक दो सब्जेक्ट में कमी थी, अगले 5 दिन और मान लो, 10 दिन और मान लो, जिसमें आपने जो जो सब्जेक्ट में MCQ में आपको कमी लग रही थी कि मान लो यार ऑडिट में अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आया, वापस पढ़ लीजिए 5-7 दिन में, और 30 दिन जब आपके पूरे हो तब आप पहला मॉक टेस्ट देंगे। और मॉक टेस्ट का फिर से पर्पज क्या है, ये देखना कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और गलत हुए तो किन किन एरियाज से गलत हुए, उनके कारण क्या है। अब अगले 20-30 दिन उनको क्या कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। बात समझ आई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। कुल मिला के चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप सबसे पहला काम कीजिए अपना कोर्स या अपनी बुक्स वो सेलेक्ट कीजिए आज ही, प्लस एक कोई भी मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसमें अधिकतम 5 से 10 टेस्ट हो, बस उससे ज़्यादा नहीं। उतना समय आप टेस्ट में मत खराब कीजिए। ये मैंने एग्ज़ाम पार किया है इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। मैं रोज़ाना ऐसे मेरे साथियों से बात करता हूँ जो जूनियर अकाउंटेंट मेरे साथ लगे हुए हैं, और सब ने एक ही चीज़ की है, वो है क्या, अपने सेलेक्टेड सोर्सेज को ही पढ़ा। जैसे किसी ने कहा कि मैंने IPCC के मेरे नोट्स पढ़े, किसी ने अपनी BCom की किताबें पढ़ी, तो ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मतलब ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप कम चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़िए। और जो हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट दिए हैं, मैं आपको उनके लिए बताना चाहूँगा, आप में से हो सकता है किसी ने फ्री टेस्ट अवेलेबल है दिए होंगे, तो आपने बड़ा उनको ईजी पाया होगा या थोड़ा सा आसान लगा होगा आपको, तो वो आसान नहीं है, वो एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा है। IBPS इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है,
अगर वहाँ उठा के मॉक यूजीसी नेट के मैं क्वेश्चन दूँ, जिसके अंदर वो दिया होता है ए बी सी डी, जिसमें पहला कहता है कि सिर्फ ए सही है, ए और बी दोनों सही है, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि ऑप्शन वन सही है, ऑप्शन टू क्या है, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन थ्री क्या है, ए बी सी तीनों सही है, या इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, मैं देखी है ऐसी भी टेस्ट थी जिसके अंदर ये पूरा भरा हुआ है ये नेट के क्वेश्चन। तो अपना संसाधन जो है वो सीमित रखिए और उसको ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए, आप दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितना कर सको। सारे टॉपिक रिवाइज नहीं करने, जब आप मॉक टेस्ट दोगे या प्रैक्टिस एमसीक्यू करोगे उसके सेलेक्टेड मतलब गिनती के, एक फाइल 200 नंबर 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर दिए, आपको पता चल गया ये टॉपिक में मुझे इश्यू है, यहाँ यहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप उनको अगेन एंड अगेन रिवाइज करें। सारे टॉपिक क्यों करने रिवाइज, मान लो आपने अकाउंटिंग पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग पढ़ी आपने और अकाउंटिंग के मॉक टेस्ट दिए या सॉरी प्रैक्टिस किए एमसीक्यू, और आपको पता चला अकाउंटिंग के अंदर यार कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, एएस के भी एक दो गलत हुए, तो आप सिर्फ ये दो को ही रिवाइज कीजिए, बाकी वालों को छोड़िए, उसमें क्यों टाइम खराब करना, इस दो को करके वापस से एक बार टेस्ट करो, खुद को परखो, फिर कोई नया टॉपिक निकलता है तो उसको पढ़ो, तो इससे समय भी बचेगा, अननेसेसरी उन चीज़ों को पढ़ने में समय खराब नहीं होगा जो आपको ऑलरेडी आती है। ओके, ठीक है, तो कोर्सेज अपने यहाँ पे भी अवेलेबल है, और भी आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप उसके जरिए, लेकिन उसको मिनिमम न्यूनतम रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब जो मेन दो सरप्राइज थे वो सुनना ध्यान से। फर्स्ट, मैंने आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, आपको ये स्पेशल 26 टॉपिक है खास, मतलब इनको आप छोड़ने की बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। अगर आपने ये 26 टॉपिक कर लिए, ये 26 टॉपिक कर लिए, तो आप एग्ज़ाम में मान के चलिए 70% प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक से आपको मिलेंगे। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा समय नहीं भी दे पा रहे हो या पार्ट भी आपका अच्छा है, तो अगर आप ये चीज़ें भी पढ़ के जाते हो तो आपका काम बन जाएगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप बाकी सब छोड़ के जाइए, लेकिन ये तो आपको एनी हाउ जो मैं कह रहा हूँ ना बार बार रिवाइज कीजिए, वो इन 26 टॉपिक्स को आप अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। बस क्या है ऐसे टॉपिक, बात करते हैं। देखिए तो देखिए मैं इन टॉपिक को एक एक को समझाने में आपको समय नहीं खराब करूँगा, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक बताऊँगा ज़रूर क्विकली। आप ये सारी क्लासेस पढ़ते हो, देखते हो, लेक्चर्स में सारे अवेलेबल हैं। अगर ऑडिट की बात करें हम लोग, तो ऑडिट के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ऑडिट के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, और दूसरा ऑडिट का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके की। अब इसके ऊपर मैंने एक बोला था कि मैं एक मैराथन क्लास रखूँगा, उसमें मैं कुछ लोगों के डाउट हैं क्लासिफिकेशन को लेके, कंटिन्यूस ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, एक्सटर्नल इंटरनल, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, फाइनल ऑडिट, एनुअल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, अपन इसको एक बार वापस से देख लेंगे, कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितनी भी तरह की ऑडिट है सबकी डेफिनेशन, मीनिंग और आपस में फ़र्क आपको क्लियर होना चाहिए। कॉस्ट क्या होती है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, दूसरा कंपनी ऑडिट तो मस्ट है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको, और ये तो 22 सेक्शन याद रखने, 139, 143 वेरी इंपॉर्टेंट, 144, 141 डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन, एंड तीसरा टॉपिक है एसेज, सारे नेम और नंबर्स, जितनी डेफिनेशन है प्लस जो जो उसमें कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इसमें सारी ऑडिट कवर हो जाएगी। चाहिए आपके ऑडिट प्रोसीजर हो, ऑडिट एविडेंस हो, ऑडिट प्रोग्राम हो, प्लान हो, ऑडिट स्ट्रेटेजी हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, अलग अलग चीज़ों को लेके, जैसे फ्रॉड को लेके, लॉ एंड रेगुलेशन को लेके, रिलेटेड पार्टी को लेके, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सारी डेफिनेशंस, और रिपोर्टिंग पार्ट, टाइप्स ऑफ ओपिनियन कितने तरह के होते हैं, की ऑडिट मैटर पैरा क्या होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा क्या होता है, ये इतनी चीज़ें आपको मस्ट है करना। ओके, दूसरी चीज़ अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग के बेसिक्स जो पंकज सर ने करवाए हैं उसमें पॉलिसी प्रिंसिपल्स एरर सारे, दूसरा एएस बाय नेम एंड नंबर्स, बस इससे ज़्यादा कुछ भी काम के नहीं है, समझने मत बैठ जाना इनको।
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अच्छे से करना, शेड्यूल 3, इश्यू 4, फीचर बायबैक, बोनस, इनसे रिलेटेड जो कंपनी लॉ के प्रोविजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो सेक्शंस दे रखे हैं, लेकिन ये छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट पार्टनरशिप, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको रेशियो और इससे रिलेटेड। फिर अमालगमेशन का, तो ये तो AS 14 उतना ही काम का है। बस एक परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या शामिल होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, वो एक पूछा जा सकता है। फिर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये छोटा सा टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन इस पर भी आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्टिंग में मार्जिनल, स्टैंडर्ड और थ्योरी पार्ट सबका, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, ABC का सबका, और एब्जॉर्प्शन वर्सेज मार्जिनल दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब मान के चलिए कॉस्टिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 6-7 तो यहीं से होंगे। फिर FM के अंदर तो बहुत ही कम, ये मैंने ज़्यादा लिखे हैं, कैपिटल बजटिंग की थ्योरी छोटा सा है, रेशियो एनालिसिस बिल्कुल मत छोड़ना, सीधे आपको मान लो 5 से 6 नंबर ये दिलाएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल थ्योरी पूरी करनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ, तो ये भी थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। फिर ये भी थ्योरी है, फंड फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं। नेक्स्ट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर वैसे तो आप पढ़ रहे हो भारत सर, बहुत ही शॉर्ट में उसको करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इतना पढ़ लेते हो, बेसिक और रेट्स, सैलरी एक इंपॉर्टेंट है, TDS, TCS, डिडक्शन, एडवांस टैक्स और रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजन, वो सेक्शन 139, रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, उनकी ड्यू डेट क्या होती है, वो सारा। GST में तो सारा बेसिक ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और सप्लाई क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन किसको करवाना पड़ता है, 20 लाख से ऊपर कंपोजिशन स्कीम क्या होती है ये। और कंपनी लॉ अगर आप ये टॉपिक देखोगे, शेयर, शेयर कैपिटल, डिविडेंड अकाउंट्स, ये तो दोनों के लिए है, और डायरेक्टर और वहाँ से लेके आगे तक ये सिर्फ AO के लिए रेलेवेंट है, काफ़ी रेलेवेंट है। तो ये 26 टॉपिक है, जिनको आपने कर डाला तो लाइफ जेंगा लाला। ओके, एग्ज़ाम के बाद मैं मिलूँगा, आपको बताऊँगा ज़रूर कि ये टॉपिक बताए थे, ठीक है। गिनती के 26 टॉपिक है, लिस्ट है आपके सामने। आप अननेसेसरी की चीज़ों में इतना समय ख़राब करते हो, उसकी बजाय लेके इनको बैठो, इनको बार बार रिवाइज करो, परफेक्ट कर डालो। ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप याद नहीं रख सकते, जिसको आप समझ नहीं सकते, जिसके अंदर आप गलती कर रहे हो बार बार मॉक टेस्ट के अंदर या MCQ के अंदर, तो उस चीज़ को ख़त्म कीजिए ना, उसको 2 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, फिर कैसे गलती होगी, गलती होने की संभावना ही नहीं है। तो आपको उस लेवल तक खुद को ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ऐसे हर जहाँ जिसने बताया, किसी ने कह दिया ये है, किसी ने कह दिया ये, इधर से भी ले लिया, उधर से भी ले लिया, सब जगह से, ये काम नहीं करेगी अप्रोच, है ना। आपको अपने खुद के ऊपर, अपने सोर्सेज के ऊपर भरोसा रखना होगा कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग इन्होंने बताया है, तो बस ये मार्जिनल कॉस्टिंग, चाहे दुनिया की कोई और फैकल्टी, कोई और किताब है, वो इससे अलग कुछ नहीं बताएगी, यही चीज़ बताएगी, ठीक है। अगर एसेज पढ़ाए हैं, इसमें ये टॉपिक पढ़े, तो चाहे आप कोई भी किताब उठा लो, ऑडिट में इनके अलावा कोई नई बात मिलेगी नहीं। तो अब इसके बाद में दूसरा जो सरप्राइज़ है आपके लिए, वो बहुत ही खास, बेहद स्पेशल, और ध्यान से सुनिएगा, पार्ट बी जो सबके दिमाग की घंटी को घुमा रहा है, पार्ट बी के लिए हम लोग लेके आए हैं एक मॉक टेस्ट सीरीज़। अब सुनना, ये एक नॉर्मल मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं है। इस पे आने से पहले मैं आपको पार्ट बी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, ये उन 26 के अलावा है। अगर आप रीजनिंग में देखोगे तो नंबर, लेटर सीरीज़ है, ऑड मैन आउट है, इन सब पे फिक्स है क्वेश्चन, कोई इबट नहीं है, मतलब आएगा ही आएगा, 2-3 क्वेश्चन इस पे, 2-3 लेटर सीरीज़ पे, ऑड मैन आउट ये होता है ना कि एक अलग चीज़ है, उसको ढूंढ के बाहर निकालो, सीटिंग अरेंजमेंट इस पे 3 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग, फिर कुल मिला के आप इसमें 20 में से 12 से 15 नंबर इजीली ला सकते हो। और कभी भी ऐसा कहते हैं कि रीजनिंग में आप 100% अटेंड करने की कभी भी ना सोचें, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अभी, उसके ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। दूसरा, हिंदी के अंदर एक शब्द का आता है, एक पूरे लाइन दी होती है उसके लिए, वन वर्ड जो कहते हैं अपन, फिर वाक्य और शब्द सही करना, त्रुटि पहचानना, कोई ऐसा सेंटेंस दिया होगा उसमें कहाँ मिस्टेक है,
फिर पैसेज हो सकता है एक और मुहावरे लोकोक्तियाँ इस तरह का। देन सेम इंग्लिश में वन वर्ड है, सेंटेंस एंड वर्ड करेक्शन है, इन पे तो खूब फिक्स है क्वेश्चन। पैसेज भी फिक्स है, आपको मिलेगा एक 5 नंबर का। फिर इनकरेक्ट अगर कुछ गलती है सेंटेंस दिया होगा वो ढूंढ के निकालना। तो हिंदी और इसके अंदर दोनों में एक जैसा है। तो यहाँ आप बिना कुछ मेहनत किए थोड़ी सी प्रैक्टिस के जरिए आप 12 में से 7-8 नंबर आराम से ला सकते हो दोनों के अंदर। इंग्लिश अगर आपकी कमज़ोर है तो आप मान के चलिए 5-6 नंबर तक ला सकते हो। एक तो पैसेज के जरिए, पैसेज पढ़ के उत्तर देना 5 नंबर 4 नंबर, तो वहाँ प्लस 1-2 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और यहाँ 7-8 मैंने इसलिए लिखे हैं, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ जो आप मिनिमम ला सकते हो एकदम आसानी के साथ। देन जीके है, जीके 20 मार्क्स का है अभी तक तो अपने पास। तो इसके अंदर अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जैसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज़, कोविड रिलेटेड डेफिनेट क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसकी वैक्सीन और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं। फिर पॉलिटी में भी मैं आपको 2-3 टॉपिक बताऊंगा जो आप पढ़िए, ठीक है। फिर राजस्थान स्पेसिफिक लास्ट 2-3 महीने के करंट अफेयर्स। एंड देन मैथ्स के अंदर परसेंटेज पे फिक्स क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, आप अकाउंट्स में पढ़ते ही हो, एज पे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसा कई बार IBPS पूछता है, एक चार्ट दिया होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, और एक मॉडल टेस्ट पेपर हमने किया था उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन दिया था। उस चार्ट के बेस पे आपको क्या देने होते हैं, नीचे दिए 4-5 क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। तो ये आउट ऑफ 16 मार्क्स 16 में से अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है तो मैं कहूँगा आप 8 से 9 नंबर ला सकते हो, और अगर मेरी तरह है तो आप 5-6 नंबर ला सकते हो, ठीक है। और एकदम आपकी अच्छी है मैथ्स तो आप 10+ भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स है, इसके अंदर नंबर लाना तो आसान है, ऐसा कहते हैं लोग मैथ्स इजी होती है, मेरे लिए तो मुश्किल है। तो कुल मिला के अगर आप टोटल करोगे तो रीजनिंग के अंदर मैं मानता हूँ आप 12 से 15, मतलब मैं अगर एवरेज लूँ 13 मार्क्स आप स्कोर करते हो। अब रीजनिंग में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि तेरा नहीं आएंगे सर मेरा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए, सब ला सकते हैं, मैं तरीका अभी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, हिंदी और इंग्लिश इनके अंदर एवरेज नंबर हिंदी में आप मान के चलिए आउट ऑफ 12 आप 7-8 नंबर इजीली ला सकते हो, 8 नंबर। रीजनिंग के अंदर मैं मानता हूँ, सॉरी इंग्लिश के अंदर चलो अपन थोड़ा कम रखते हैं 6 नंबर। GK में आप 10 मार्क्स मिनिमम ला सकते हो, 12 तक भी ला सकते हो आप। मैथ्स है, मैथ्स के अंदर मैं अगर 16 में से बताऊँ तो आप 7 से 8 नंबर ला सकते हो। तो इस तरह के अगर आप टोटल करोगे तो 13+8 21+6 कितने 27+10 37+8 ये 45 से 50 नंबर, 45 से 50 नंबर आप इजीली ला सकते हो, मतलब ज़्यादा बिना एफर्ट किए 45 से 50। यहाँ अगर आपके आ गए प्लस आप 80 मार्क्स 90 मार्क्स का टारगेट, टारगेट तो अपना हमेशा 100 रहना चाहिए पार्ट ए के अंदर, लेकिन इतने आ सकते हैं इजीली 80 से 90 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता इतने नंबर्स के साथ में। अब पार्ट ए के लिए तो मैंने आपको स्पेशल 26 बता दिए कि ये टॉपिक तो आपको मस्ट है करना, प्लस दूसरी चीज़ ये भी बता दी कि आपको बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को, ना कि क्वेश्चंस को। दोबारा रिवाइज किसको करना है, कॉन्सेप्ट को, थ्योरीज को, किसको नहीं करना है, MCQs को रिवाइज नहीं करना है, मॉक टेस्ट को रिवाइज नहीं करना है बिल्कुल भी, ये गलती ना करें पार्ट ए के अंदर। लेकिन पार्ट बी के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो थोड़ी अलग है। देखिए रीजनिंग, पार्ट बी के लिए मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि रीजनिंग जो है आप अपनी जो मैंने किताब बताई थी अरिहंत की, अगर अरिहंत नहीं देख पा रहे हो आप तो कोई भी दूसरी जो भी किताब आप हिंदी के लिए या जो भी आपके पास है उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, ये जो टॉपिक दिए हैं ना इनकी ट्रिक्स एक बार देख लीजिए। बाकी इसके अलावा आपके लिए ये चीज़ है जिसको आप किसी भी कीमत पे मिस ना करें। ये क्या है, तैयार किए हम लोगों ने पार्ट बी का मॉक टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट है बेसिकली इसके अंदर, और मॉक टेस्ट है मतलब ये ऑनलाइन है और नेगेटिव मार्किंग भी है इनके अंदर, और एग्जैक्टली एक एक क्वेश्चन मतलब 80 इंटू 10
जो 800 क्वेश्चन है सारे के सारे आईबीपीएस के पुराने एग्जाम्स के हैं, ठीक है। तो अब इसमें खास बात क्या है मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको नंबर सीरीज बताऊँ, नंबर सीरीज के अंदर पॉसिबल 3-4 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे नंबर सीरीज में ऐसा लिखा होता है 1, 3, 5, 7 और यहाँ खाली, इसको पहचानना आपको। अब यहाँ पे नंबर सीरीज में 3-4 तरह के हो सकते हैं। एक तो एडिशन सीरीज, जैसे 1+2 3, +2 5, +2 7, +2 या 9 उत्तर आ जाएगा। तो ये तो चल रही है जोड़ करने वाली सीरीज, या ऐसा माइनस वाली सीरीज भी चल सकती है, या माइनस और प्लस दोनों चल सकते हैं, कुछ जोड़ के कुछ घटाना, फिर या गुणा या भाग। तो इस तरह के 4-5 तरह के ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक वैसे ही लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज के अंदर ABCD इस तरीके से या कोई दूसरे तरीके से लिखा गया है, तो उसके अंदर भी फिक्स 3-4 तरह के क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें या तो एक गोल टेबल पे बैठे होते हैं अलग अलग व्यक्ति, या ऐसे लाइन में बैठे रहते हैं, या ऊपर नीचे ऐसे अलग अलग फ्लोर पे दिए होते हैं। तो ये 5-7 क्वेश्चन फिक्स है जो IBPS पूछता ही पूछता है सिटिंग अरेंजमेंट में। जैसे लास्ट बार ये फ्लोर वाला आया था, एक ऊपर फ्लोर पे रहता है, एक नीचे पे रहता है, बताओ ये किसके बीच में है, इस तरीके से। फिर एनालिटिकल रीजनिंग और उसके अंदर नॉन वर्बल के अंदर कोई त्रिभुज या इस तरह की आकृतियाँ दी होती है, मिरर इमेज दिया होता है, उसको ढूंढना, कितनी लाइन है ये ढूंढना, ये फिक्स क्वेश्चन है हर एक टॉपिक। जैसे रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक के अंदर 4 से 5 फिक्स पैटर्न है क्वेश्चंस के। हमने उस हर टॉपिक पर पूछे गए जो अलग अलग प्रश्न हैं वो सारे इन दस टेस्ट के अंदर कवर किए हैं। जैसे पहला टेस्ट है उसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन गोल टेबल का मिलेगा, तो दूसरे में आपको लाइन वाला मिलेगा इस तरीके से। प्लस रीजनिंग हिंदी इंग्लिश के सिलेबस में कवर सभी टॉपिक के जितने तरह के क्वेश्चन IBPS द्वारा पास में पूछे गए हैं सभी कवर्ड है। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे आपको 10 नंबर देंगे ये दो पैसेज। तो पैसेज के लिए एक गड़बड़ होती है हमेशा, कि ये टाइम बहुत खाता है आपका और इस वजह से आप पूरे अटेंड नहीं कर पाते। तो वो पैसेज कैसे अटेंड करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट के जरिए, तभी आप एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में, मतलब आपके पास 1 घंटा होगा और अब आपको अटेंड करने हैं 80 क्वेश्चन, तभी आप कर पाओगे, खुद से नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट रीजनिंग और मैथ्स में भी मैंने कहा 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 चार्ट वाले आ सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के आ सकते हैं। तो इसमें जितनी पॉसिबल तरीके हैं, जैसे चार्ट वाले आता है, एक पाई का आता है, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है, ये आसानी से नंबर ला सकते हो। मैंने आपको बताया ना 45 से 50, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, और उसके अलावा ये मॉक टेस्ट करना है। GK के लिए मैं आपको बताऊँगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो मानता हूँ मैं इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा, आप ये सीखोगे कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन कैसे करने हैं। और मेरा यकीन मानिए, अगर आपने लगातार टेस्ट दिए इसके, तो आप सिर्फ 6ठे या 7वें मॉक टेस्ट तक जाते, आप अपने 90% क्वेश्चन अटेंड करना, 90% तक पहुँच जाओगे। मतलब आप 80 में से 70-75 क्वेश्चन अटेंड इजीली कर पाओगे 6ठे 7वें, और 10 के 10 टेस्ट आपने अगर सिंसियरली दे दिए, तो मेरा यकीन मानिए आप 100 तक भी पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 100 एक अनरियलिस्टिक है, मैं तो कहता हूँ अगर आप 90% क्वेश्चन भी अटेंड कर पाते हो, 70-75 क्वेश्चन आउट ऑफ 80, तो बहुत बड़ी बात है। आप मान के चलिए आप इजीली स्कोर कर दोगे। मैंने कभी भी ये पार्ट भी नहीं पढ़ा था जीवन के अंदर, और सिर्फ मुझे 45 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाया, उसमें से मेरे 33 मार्क्स आए हैं, 33 या 36 थे शायद। तो सिर्फ यही कारण है कि आप अगर जितने ज़्यादा अटेंड करोगे, नंबर आपके उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हिंदी और ये GK में इजी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी सारे, सिर्फ आपको ढूंढना है। नेक्स्ट मैथ्स और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर दिया है, पूरा उसको सॉल्व करके बताया रीजनिंग में कैसे आया आंसर, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें तो है ही, अब एक ख़ास चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ये राजस्थान GK का जो हुआ है ना, वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो न्यूज़ में थी लास्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स जितने भी हुए, ये लास्ट 3 मंथ्स के
सारे जो इम्पोर्टेंट है वो अपने इस मॉक टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। मतलब आप मान के चलिए जीके में जो जो मेन इवेंट है, देखिए यूँ तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे तब तो इतना ज़्यादा गहराई में है कि आप कभी जीके पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर दिन का एक न्यूज़पेपर है, हर दिन का एक घंटे का वीडियो है जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें दी होती हैं। अगर आप कोई यूट्यूब पे देखते हो, अगर वो आपके लिए काम का नहीं है, जीके टोटल मिला के एवरीडे साइंस और सब मिला के 20 नंबर का है, उसमें से करंट अफेयर आता है कितना, 7 से 8 क्वेश्चन। तो ये करंट अफेयर वाला जितना पार्ट है ये अपने इसके अंदर 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक पॉलिटी जो मैं कह रहा था, जो पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन फिक्स है इसी के अंदर, तो वो फिक्स है। एक तो पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा, या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या लोकसभा या राज्यसभा का जो स्पीकर है राज्यसभा का उसके ऊपर बेस्ड होगा, या वाइस प्रेसिडेंट पे बेस्ड होगा, ये फिक्स एरिया। इसके अलावा आप मान के चलिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉलिटी के इन एरियाज से, सारे एरियाज का मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनके स्पीकर, इनका चुनाव कैसे होता है, ड्यूटीज, पावर, ये सारे क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट सीरीज में मैं कवर करते चल रहे हैं, ठीक है, ओके। और सबसे खास बात, इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत कम रखे हैं हम लोग अभी, तो हालांकि मैं नहीं बता सकता आपको कितनी है, लेकिन एकदम अफोर्डेबल, बहुत ही कम, यूँ समझ लीजिए ना के बराबर, क्योंकि आप सब ऑलरेडी कोर्सेज परचेज कर चुके हैं, तो इसके लिए कोई अलग से इतना कोई ज़्यादा चार्जेज हम लोग भी इसके लिए कर नहीं रहे। तो बस आपको सिर्फ इतना करना है पार्ट ए के लिए। अब मैं फाइनली आपको फाइनल वर्ड मेरा बता देता हूँ, आखिरी शब्द, सबसे पहला ये रूल है, गोल्डन रूल आप समझ लीजिए। पहला नियम क्या है, अपने जो सोर्सेज है उनको क्या कीजिए, न्यूनतम रखिए। दूसरा, मॉक टेस्ट या जो एमसीक्यू है वो सिर्फ किस काम के लिए है, आपकी कमियां देखने के लिए कि कौन कौन से एरियाज आपको नहीं आते, कहां कहां आप गलतियां कर रहे हो, बस वो देख ली आपने। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट पे 100-200 कर दिए। अब मैं आज के डेट में बता रहा हूँ, आपने पहले शुरू किए होते 3 महीने तो मैं कहता सारे कीजिए एमसीक्यू, अब आपको इतने ही करने हैं। आपको पता चल गया ये टॉपिक में मुझे गलतियाँ हो रही है, आप अपने सोर्सेज पे जाइए जिसके अंदर चाहे तो आपके लेक्चर्स हो सकते हैं, चाहे आपके जो नोट्स है कंपाइल वो है, इनसे क्या कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। जितनी बार रिवाइज करोगे द मोर यू रिवाइज द मोर यू गेन, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप गेन करोगे। और एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूजन होता है ना, 4 ऑप्शन देख के कि ये था कि ये था, ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर एक बार रिविज़न किया, फिर एक मॉक टेस्ट दीजिए कोई उठा के, और फिर देखिए कितनी एक्यूरेसी आपकी, 70-80-90 कितने परसेंट तक आप पहुँच पा रहे हो। फिर असेसमेंट कीजिए कहाँ गलतियाँ की आपने, अकाउंटिंग में की, एएस में की, ऑडिट में की, कंपनी लॉ में की, जहाँ गलती की वापस से क्या कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। ये अगले 45 दिन आपके ऐसे ही गुजरने चाहिए, ठीक है, ओके। ये पहला नियम है पार्ट ए के लिए। पार्ट बी के लिए अगर आपने अभी भी हाथ नहीं लगाया, ये सोच रहे हो मैं बाद में करूँगा, बाद कभी भी नहीं आएगा, ये बाद समय कभी नहीं आएगा। आपको पहला काम क्या करना है, रीजनिंग उठानी है, और रीजनिंग के जितने टॉपिक दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक है, लिस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक शेयर की हुई है फाइल, उसमें देख लेना, वो सारे टॉपिक क्या करने हैं आपको एक बार अच्छे से करने हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आज से न्यूज़पेपर या जीके आप पढ़ते रहिए हाथ से, या 3 महीने की मैगजीन उठा के ले आइए वो एक बार पढ़ लीजिए, प्लस या लूसेंट की किताब आती है एक जनरल जीके अवेयरनेस की, वो ला सकते हो। थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो पेज, 10 पेज, 5 पेज रोजाना पढ़ोगे, याद तो रखनी नहीं है, देखिए पढ़नी है, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है, और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख सको। ठीक वैसे रीजनिंग में भी जो ट्रिक है उसको हाईलाइट करते चलिएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, आप पार्ट बी के लिए क्या करें, तुरंत से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, ताकि जितने तरह के क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के अंदर IBPS पूछता है
वो सारे आप गो थ्रू हो जाएं, सब आपको पता चल जाए, प्लस आपकी स्पीड बढ़ जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर पाओ, ठीक है। और अगर मॉक टेस्ट एक दिया, आपको लगता है कि यार रीजनिंग में तो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा स्पीड, तो आप एक बार जाके वापस सारे ट्रिक को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। बाकी जीके और इसके लिए तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने मॉक टेस्ट में जितने करंट इवेंट्स हैं, जितनी पर्सनलिटीज इवेंट्स न्यूज़, ये सारी चीज़ें अपन राजस्थान से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड सब इसमें कवर करते चलेंगे, ठीक है, एक से एक चीज़। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, आप अपने स्तर पे इसको जारी रखें, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, बस या तो 3 महीने की मैगजीन या डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वो ठीक है, या आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं करना आपको, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट में अपन क्वेश्चन दे रहे हैं, बस उसको ऐसे एकदम से अटेंड करके छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को एक बार अटेंड किया मॉक टेस्ट को, फिर आप शांति से बैठ के उसको एनालाइज कीजिए कि यार हिंदी का ये क्वेश्चन आया, ये इस पैटर्न का है, नेक्स्ट के अंदर किस पैटर्न का है, नेक्स्ट में किस पैटर्न का है, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये 10 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं त्रुटि पे, 10 तरह के सेंटेंस करेक्शन पे पूछे जा सकते हैं, 10 तरह के वन वर्ड पे पूछे जा सकते हैं, पैसेज कैसे अटेंड करना है। तो थोड़ा उसको एनालाइज भी कीजिए, सिर्फ टेस्ट दीजिए मत। ये सिर्फ पार्ट बी के लिए बता रहा हूँ, पार्ट ए में आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है, पार्ट ए में तो रिवीजन करना है बार बार, लेकिन पार्ट बी क्योंकि इतना बड़ा है, अगर आप सिर्फ जीके पढ़ने जाओगे तो ये अपने आप में 6 महीने का है, हिंदी पूरी अपने आप में एमए करोगे तो भी कम है, इंग्लिश अपने आप में इतनी बड़ी है। हाँ एक चीज़ और है, मैथ्स, मैथ्स के अंदर आप घर पे बैठ के कुछ प्रैक्टिस कीजिए, परसेंटेज के क्वेश्चन, कुछ पार्टनरशिप के, एज वाले, ये जो 3-4 टॉपिक है ना, इनके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आएगा आईबीपीएस में। आप मान के चलो एज बाप की इतनी है, बेटे की इतनी है, माँ की इतनी है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना ब्लड रिलेशन पे बेस्ड, तो ये क्वेश्चन आप थोड़े से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होगी और कुछ काम की लगी होगी, इतना मेरा यकीन है। अगर आप इन बातों को मानोगे, इनको फॉलो करोगे, आप एग्ज़ाम के बाद ज़रूर मिलने आओगे मुझे। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बताई है मैंने आपको, कोई अनरियलिस्टिक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कोई जी तोड़ मेहनत करनी है या कुछ ऐसा बता दिया, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा स्मार्टली करना है। आप ज़्यादा कन्फ्यूज होगे, ज़्यादा मॉक टेस्ट के चक्कर में, ज़्यादा क्वेश्चंस के चक्कर में, उसकी बजाय मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान किया है कि पार्ट ए में अपने को रिविज़न पर ज़्यादा फोकस करना है और पार्ट बी में आपको आईबीपीएस के अलग अलग क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है, और कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है बस। चलिए थैंक यू वेरी मच। एंड एक और चीज़, हम लोगों ने कोर्सेज की प्राइजेज पे जो डिस्काउंट था उसको हटाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस डबल हो चुकी है, ऐसा भी नहीं है। एक कोड है 1 एग्ज़ाम, आप इसको यूज़ कीजिए, जब कोर्स वाले पेज पे जाओगे तो इससे 20% ऑफ हो जाएगा और प्राइजेज में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, जो 800 का कोर्स है वो 1000 का हुआ है, तो उसके बदले में आपको कंटेंट भी उतना मिलेगा, कोई ज़्यादा ये चेंज नहीं है। अब इसको वापस कम नहीं किया जा सकता हाल फिलहाल के लिए, तो आप प्राइस को लेके बिल्कुल ना सोचें, आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या ये कंटेंट काम का है या नहीं, क्या आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं, ठीक है। जीवन में कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा बदले में, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बार बार ठीक है ठीक है।